सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं रोहन मंगानिया। तो जय श्री राम सभी को। तो गाइज, आज आपको अपने सामने दिख रही होगी नई वाली नेक्सॉन। अभी जो नई वाली नेक्सॉन है ना, ये है अपना प्योर एस वेरिएंट, यानी कि बेस से जो दो ऊपर वाले मिड वेरिएंट आप इसको मान सकते हो, और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, सबसे पहले तो आपको इसकी की दिखाता हूँ भाई। की इसकी नॉर्मली आती है, कीलेस एंट्री नहीं आती, इसमें फ्लिप की आती है, और एक सेंटर लॉक वाली आती है, एक आपको नॉर्मल बेसिक वाली मिलती है जैसे पहले के ज़माने में आती थी। तो भाई, अब वैल्यू फॉर मनी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि भाई ये आपको एक शोरूम 11.5 लाख की पड़ती है, ऑन रोड आपको 13 लाख रुपये की पड़ जाएगी। और इसके अगर आप फीचर देखोगे ना, तो आप ही खुद कहोगे कि यार सच में वैल्यू फॉर मनी है नेक्सॉन में। अगर बात करें सबसे पहले तो आपको बताऊँ, ये आ जाते हैं डीजल इंजन के साथ। अभी मैंने आपको डीजल के प्राइस बताए हैं, जो डीजल है अपनी जो है 13 लाख रुपये की पड़ती है ऑन रोड गुड़गांव में। बाकी अलग अलग सिटी के प्राइस वेरी करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको उसके फ्रंट में लुक्स बताता हूँ। देखो, अब टॉप मॉडल भी खड़ा है हमारे पास, देख सकते हो, टॉप मॉडल भी खड़ा है। और इन दोनों की लुक्स में अगर आपको बताऊँ ना मैं, तो ये देख सकते हो, नीचे से सिल्वर क्लैडिंग नहीं है आपके पास जैसे कि उसमें है, मैं आपको बताऊँ। और पुरानी वाली से आप कंपेयर करो ना, ये देखो, अब टाटा ने इसमें भी नाटो ग्रे जैसा कलर दे दिया है, थोड़ा लाइट है, अपने वीर जी ने थोड़ा डार्क करा रखा है। बाकी अगर यहाँ पे आपको फ्रंट की बात करें तो भाई आपको DRL मिल जाती है यहाँ पे। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो भाई इसमें आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, फॉग लैंप इसमें नहीं मिलता। देखो भाई, मिड वेरिएंट थोड़ी कॉस्ट कटिंग होगी, फ्रंट में आपको सेंसर नहीं मिलेंगे जैसे टॉप मॉडल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड एयर कर्टन्स मिल जाते हैं फॉर बेटर एरोडायनामिक्स। बाकी इसके बात करते हैं साइड लुक मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये ऐसी इसकी कुछ साइड लुक में भाई देखो, गाड़ी तो अच्छी लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, पर भाई ये बॉडी कलर में देना चाहिए था ना, ये और अच्छा लगता। बाकी अगर इसकी बात करोगे आप इसके टायर साइज़ की, तो भाई इसमें आपको स्टील रिम आ जाता है विद व्हील कैप। अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये है भाई 195/60R16। अब इसमें 16 इंच का टायर है, पर रिम है और थोड़ी विड्थ कम है। विड्थ इसकी 195 है, टॉप मॉडल में 215 आती है, यानी कि 20 mm ज़्यादा, तो टायर ज़्यादा ब्रॉड लगता है और कार के साथ अच्छा भी लगता है। बाकी ये देखो, आपको हैरियर स्टाइल वाले मिल जाते हैं साइड में, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर यार ये बॉडी कलर देते ना तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है मे बी इन्होंने कंट्रास्ट बिठाने के लिए ये दिया हुआ है। बाकी बैक लुक दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। तो भाई ऐसी इसकी कुछ पीछे से लुक है भाई। अगर आप देखोगे, इसमें आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा, ना ही आपको रियर वाइपर मिलेगा, या ऊपर दिया होता है। और यहाँ पे आपको जो स्किट प्लेट है वो ब्लैक ही मिलेगी, उसमें अगर आप देखोगे तो उसकी सिल्वर में, ठीक है जी, ये तो मैंने आपको, तो ये देख सकते हो, मैं आपको इसको बूट स्पेस दिखाता हूँ। अब एक चीज़ में बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि जैसे आप उसमें जो है बूट स्पेस, अगर मैं आपको कहूँ जाइए कि भाई का हाथ है, वहाँ से आप बूट खोल सकते हो, पर इसमें ऐसा कोई बटन नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक कि आप बूट खोलो। अब देखो, गाड़ी मैंने अनलॉक भी कर दी, यहाँ कोई बटन ही नहीं है भाई कि मैं इसका बूट खोल पाऊँ। पीछे आपको दो सेंसर तो मिल जाते हैं, चलो अंदर चलो। बाकी ये भी आपको पूरी LED मिल जाएगी, कनेक्टिंग टेल लैंप जो है इसकी। अब बूट अगर मैं आपको यहाँ से खोलना हो ना इसका, और भाई अगर इसका बूट ओपन करना हो तो बूट इसको आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ से मैंने ओपन करा और डिग्गी आपको आवाज आई हुई, यहाँ से खुल गई इसकी जो डिग्गी है। मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। बूट स्पेस पहले से इंक्रीज़ करा है, जे वाली नेक्सॉन में 352 आता था, इसमें आता है 382 लीटर। तो देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों के बूट में। देखो, मैंने उठा दिया बूट, ये देखो भाई, ये इसमें पार्सल शेल्व आपको नहीं मिलेगी, अलग से एज ए नेसेसरीज आपको लगवानी पड़ेगी। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ है इसका भाई बूट स्पेस। यहाँ पे आप सामान कुछ कैरी कर सकते हो ताकि वो हिले नहीं। यहाँ पे आपको 3-3 kg के हैंगिंग वाले स्लॉट मिल जाएंगे कि अगर आपको कुछ सामान हैंग करना हो तो। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो भाई पूरी फ्लैट बेंच ही होगी, ये 60-40 में नहीं है, तो भाई पूरी फ्लैट बेंच होती है वाली यार, 60-40 में तो देना चाहिए था। बाकी हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे दोनों, सेंटर वाले को नहीं मिलते। अब आपको लेके चलता हूँ मैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर दिखाता हूँ इसका। और भाई, टाटा अपनी कार में आजकल ये वाली बैजिंग दे रहा है, क्योंकि टाटा ने 5 मिलियन यानी 50 लाख कार्स अब तक 1998 से 2023 तक सेल कर चुके हैं 25 ईयर्स में। तो अब आपको अंदर से, तब आपको अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं इसका। तो भाई ये है इसकी साइड की फ्रेम, ये आप देख सकते हो, ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएगा, ये सही कर रहे हैं उन्होंने, ऐसा रफ नहीं दिया। बाकी ये सॉफ्ट टच नहीं है भाई, प्लास्टिक है। अब वाइट कलर दिया है, थोड़ा भाई मेंटेनेंस इसकी हाई रहती है, गंदा हो जाता है क्योंकि मेन हाथ यही लगने होते हैं। बाकी आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी पावर विंडो की। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर इस साइड मिलेगा, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा, या मैगजीन होल्डर है, यहाँ से आप मिरर कंट्रोल कर सकते हो।
बाकी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ कार। सबसे पहले आप ये देखें, इसमें दी हुई भाई फैब्रिक सीट्स, इसमें लेदर सीट्स नहीं मिलेगी आपको, और आपको ना ही हाइट एडजस्टेबल का मिलेगा। ये सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हो सीट, और इसको रिक्लाइन कर सकते हो बैक रेस्ट को। तो बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर, फैब्रिक सीट्स दी हुई हैं। तो भाई सबसे पहले तो गाड़ी कर लेते हैं बंद, और ये देखो आप टाटा नेक्सॉन 2023 प्योर एस का इंटीरियर। तो भाई अब गाड़ी ऑन कर लेता हूँ मैं, अब आप देखना इसकी एनिमेशन कितनी अच्छी आएगी। ये देखो भाई, मतलब जो फोन्स वगैरह है वो सब चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मैनुअल ही मिलता है, पर इसके कंट्रोल्स अच्छे हैं। मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार आपने ना मिड वेरिएंट लिया है तो बटन जैसे पहले गोल गोल आते थे वो उसमें घुमाना पड़ता है, नहीं। और ये है इसका कुछ स्टेयरिंग भाई, इल्यूमिनेशन दे दिया टाटा के लोगों की। अब हॉर्न बजाना हो तो भाई यहाँ से बजा सकते हो, पर ये देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक है तो सारे फिंगरप्रिंट इसमें लग जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ नहीं मिलता है, MID के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के और ट्रैक चेंज करने के, वॉइस कमांड और अपना ब्लूटूथ कनेक्शन करने के लिए मिल जाता है। अब एक चीज़ मैंने टॉप मॉडल में और देखी कि टॉप मॉडल में म्यूट का बटन यहाँ था, पर इसमें म्यूट का बटन यहाँ दिया हुआ है। तो ये चीज़ समझ में नहीं, टाटा ने अलग क्यों कर दिया ये, तो ये चीज़ समझ में नहीं कि टाटा ने अलग क्यों कर दिया। बाकी भाई गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत गर्मी है बाहर। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करी मैंने, और डीजल क्लैटर सुन सकते हो, मैं एक बार एसी ऑफ करके दिखाता हूँ। देखो भाई डीजल क्लैटर तो अंदर आता है, NVH लेवल पहले से इम्प्रूव करे, BS6 फेस 2 है, पर डीजल क्लैटर तो आता है। अब मैं एसी ऑन कर लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। भाई एसी ऑन करने पे देख सकते हो कैसी आवाज़ है, और थोड़ी रेफ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई ऐसी आवाज़ आती है कुछ रेफ करने पे। भाई देखो डीजल क्लैटर है, अब जो डीजल लवर है उनके लिए गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि भाई सेगमेंट में डीजल बहुत कम कर दिया है ना। तीन गाड़ियों में मिलते हैं, एक अपनी किया सोनेट, होंडा एवेन्यू, और तीसरी अपनी टाटा नेक्सॉन। और भाई टाटा नेक्सॉन बिल्कुल नहीं आई है, तो भाई इसके लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आ रहे। जिससे पूछा मैंने अभी, यहाँ पे पब्लिक भी थी यहाँ पे आसपास, उनसे ही पूछा तो वो भी यही कह रहे थे भाई काफ़ी अच्छे लगे। तो यहाँ से आप अपने मिरर जो है एडजस्ट कर सकते हो, फोल्डेबल नहीं है ये, और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। और हॉरर मैंने आपको उसको सुना दिया। अब यहाँ पे इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है क्योंकि इसमें कोई थीम नहीं है पर्पल वाली, टॉप मॉडल में पर्पल वाली थीम है तो उन्होंने यहाँ पे ये पर्पल कलर दिया होता है। बाकी इसमें स्टेयरिंग एडजस्ट आप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और नहीं भाई टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था भाई इसमें तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी AC की कूलिंग बताऊँ भाई, बिल्कुल लो स्पीड पर फैन, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो चार लेवल है इसमें, 1, 2, 3 और ये 4। भाई AC कूलिंग बताऊँ भाई, आइडल खड़ी है गाड़ी, इतनी बढ़िया कूलिंग कर रही है। देखो डीजल गाड़ी का थोड़ा अच्छा होता ही है, बाकी अगर मैं ऐसे टेम्परेचर करता हूँ तो देखते हैं, ये देखो यहाँ से जैसे ही ना बढ़ाता हूँ तो ये 4 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं, और जैसे ही इसको थोड़ा हॉट करना हो टेम्परेचर तो करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको रेड वाले मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी एनिमेशन दी है, और काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन लग रही है लाइट्स की, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ऐसा आपको लगता नहीं कि आप मिड वेरिएंट में बैठे हो, या आपको है थोड़ा मैं हटाता हूँ भाई, देखो ग्लॉस ब्लैक है सारा, देख सकते हो आप। तो भाई फिंगरप्रिंट्स बहुत लगेंगे इसमें, तो भाई इसमें लेमिनेशन करानी पड़ेगी, अब उसका भी खर्चा आप कस्टमर अभी एसेसरीज के हिसाब से दे सकते हैं। और भाई एक चीज़ देखो भाई, जैसे इसमें की लगती है यहाँ पर, तो टॉप मॉडल में भाई स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, तो भाई किस लिए दे दिया, इससे बढ़िया तो इसको कवर कर देते। सही है, बंदा खेलता रहेगा ऐसे गाड़ी चलाते चलाते, ऐसे खेलता रहेगा जाम में बैठ के। तो यहाँ से आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपके ट्रिप और एवरेज वगैरह देख सकते हो ऐसे, देख कुछ MID कंट्रोल, यहाँ पे आप एवरेज और अपनी ट्रिप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, अपना इको लग गया, गाड़ी बोलती भी है, और ये अपना स्पोर्ट्स मोड लग गया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो भाई मोड के हिसाब से पावर ट्यून कर रखी है, अगर इको में लगाओ कम हो जाती है, सिटी में नॉर्मल रहती है, स्पोर्ट्स में पूरी पावर प्रोड्यूस करती है। और जो कि पावर इसकी प्रोड्यूस करती है वो है स्पोर्ट्स मोड में 110 हॉर्स पावर है, 260 NM का टॉर्क है, तो काफ़ी अच्छी पावर है, चला के भी काफ़ी बढ़िया लगती है आपको, फील गुड फैक्टर देती है कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो, पंची है गाड़ी काफ़ी। बाकी एक चीज़ मैंने अभी और नोटिस करी भाई, देखो जैसे डीजल कार है तो इसमें आपको 8000 RPM तक मार्किंग मिलती है, जबकि इसकी 6000 तक होनी चाहिए लास्ट, देख रहे हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हो तो ये वही प्रीवियस जनरेशन वाला है, 7 इंच का हार्मन कार्डन का, और टच रिस्पॉन्स भाई इसका ओके ही है, ठीक ठीक है, मतलब चलाने लायक है। बाकी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार पे इसमें मैं चेक करता हूँ, मिल जाता है आपको भाई एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे, वॉट 3 वर्ड्स में मिल जाते हैं,
और भाई ये वॉइस कमांड से खुल जाती है आपकी जो सनरूफ है, ट्राई करते हैं एक बार। ओपन सनरूफ। सॉरी, I cannot do this in AM। वैसे भाई वॉइस कमांड से खुल जाती है सनरूफ, अभी नहीं खोल के दिखा रहे। और सनरूफ की बात करें तो इसमें आपको भाई सनरूफ मिल जाती है जो हमारे इंडियंस की पहली पसंद है। ये देखो भाई सनरूफ आपको मिल जाती है पूरी, और पूरी खुल जाती है पीछे तक। और ट्राई करते हैं नहीं भाई, और सन ब्लाइंड भी इसका पीछे हो जाता है। तो भाई सनरूफ आ जाती है इसमें आपको प्योर एस में। तो ये जो जिनको सनरूफ लवर है उनके काम की है। देखो भाई अब इंडिया में ना सनरूफ का इतना यूज़ नहीं है, सिर्फ एक एक गिमिक फीचर है। अगर आप देखोगे ना सनरूफ कोई इतनी यूज़ नहीं करता, अनटेनलेस आप पहाड़ों में जाओ, और बाहर तो निकलना ही नहीं चाहिए। वैसे इसमें इतनी स्पेस भी नहीं है और बाहर तो इसमें से निकलना ही नहीं चाहिए। बाकी की अगर बात करें तो आपको मिरर मिल जाता है, इधर आपको मिरर नहीं मिलता। टिकट होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ आपको पेपर रखना हो, डॉक्यूमेंट रखना हो, पहले यहाँ पे भी देती थी डाटा। अब इसमें भाई आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर मिल जाते हैं। और इसका साउंड मैं भी आपको सुनाता हूँ, हार्मन गार्डन का आता है, JBL के स्पीकर आते हैं इसमें। और ये देख सकते हो इसका ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड, ग्लव बॉक्स, कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा, कप होल्डर मिल जाएंगे। और भाई इसमें एक चीज़ देखो, टॉप मॉडल में आपको लैपटॉप होल्डर और आईपैड होल्डर मिल जाता है, ऊपर थोड़ी स्पेस बनाई, पर इसमें नहीं है यार, इतनी कॉस्ट कटिंग थोड़ी ना करनी चाहिए। बाकी ये देख सकते हो यहाँ पर आपको टाइगर का लोगो मिल जाता है, इम्प्रिंट कर रखा है टाइगर का लोगो। ये सेफ्टी किट है और ऐसा कुछ है इसका। अब भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, पर भाई यहाँ पे आप हाथ रख सकते हो इजीली, अगर आर्मरेस्ट नहीं भी है ना तो चल जाता है। बाकी ये स्पेस इन्होंने ऐसे यूटिलाइज़ करी है, टॉप मॉडल में वायरलेस आ जाता है तो ये स्पेस इन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कॉस्ट कटिंग, ये देखो भाई ये देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा कैसा दी हुई फिनिश, ये पूरी कवर ही नहीं है यहाँ से, तो ये फिनिश नहीं दे रखी इन्होंने पूरी। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ USB मिलती है, सी टाइप का पोर्ट नहीं दिया है, जबकि सी टाइप का पोर्ट देना चाहिए था इनको यहाँ पे। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अगर IRVM की बात करें तो आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन लाइट मिल जाती है, और भाई LED लाइट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी तो दिन है इतना लग नहीं रहा, पर मुझे लग रहा है कि रात को अच्छी खासी इल्यूमिनेट कर देती होगी कैबिन को ये। बाकी भाई इसके ऐसे कुछ हैंडल है, ग्रैब हैंडल ऐसे हैं, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, इंडियन कार्स में ज़्यादातर नहीं मिलेगा। बाकी आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, हॉर्न मैंने आपको सुनाई दिया इसका, एक्टिवा वाला हॉर्न है भाई, हॉर्न तो बढ़िया दे देते हैं। तो गाइस इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है A, तो ये ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे आपको जो अपने वाइपर है वो भी ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, यानी कि रेन सेंसिंग वाइपर है। यहाँ पे इनके सेंसर लगे हुए हैं दोनों के, तो देख सकते हो जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपके ऑन हो जाएगी। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे थोड़े थोड़े जो फीचर है ना इसमें, इसको वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं, जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं आते हैं। ऊपर वाले वेरिएंट्स में आप जाओगे देखो कॉस्ट बढ़ेगी, तो फीचर तो आ ही जाएंगे। बाकी ये वैल्यू फॉर मनी लगता है वेरिएंट्स में, सारे जो आपके बेसिक नेसेसरी फीचर है वो आपको मिल जाते हैं। बस अगर आपको इसमें साइड मिरर जो है फोल्डेबल मिल जाते तो वो भी अच्छा रहता है, पर भाई देखो जिस जैसा पैसा उस हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। बाकी पीछे चलते हैं, पीछे दिखाते हैं आपको पीछे का स्पेस। अब मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है और आपको पीछे दिखाते हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो स्पेस ठीक ठीक है, एडिक्वेट इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेस ठीक ठीक है, एडिक्वेट इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी ठीक ही है यार, मतलब इतनी कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है। बल्कि जो पुरानी वाली नेक्सन है उसमें लेगरूम ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बूट्स पे 30 लीटर्स कम है, तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाती है। बाकी यहाँ भी आपको पावर कंट्रोल विंडो मिल जाएगी, यहाँ पे वही आपको ग्लॉस ब्लैक में डोर हैंडल मिल जाएंगे, यहाँ ट्विटर मिल जाएगा। और भाई 6 एयरबैग्स आते हैं भाई कार में। इसमें सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। पैसेंजर का आप एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, वही से हवा आती है भाई, कोई अलग से यूनिट नहीं है। बाकी भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता बीच में। सीट्स में अगर वैसे बताऊँ काफ़ी कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है, टाटा की सीट वैसे ही काफ़ी अच्छी होती है। हेडरेस्ट आपको दो ही मिलते हैं, सेंटर पैसेंजर का नहीं मिलता है, पार्सल चार्ज भी नहीं मिलती है। और ऐसे कुछ है भाई इसके लुक, प्योर एस डीजल नेक्सॉन 2023, देख सकते हो आप कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। यहाँ पे आपको फुल लिड मिल जाती है। अच्छा ये दो वाले होंगे बड़े वाले, यहाँ से आप अपना पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हो की से जो आपकी की दी हुई है। बाकी आगे बात करें तो आपको यहाँ भी हुक मिल जाएगा सामान टंगाने के लिए, तो ये भी काफ़ी ठीक है, सही अच्छा है। बाकी भाई अगर आप बाहर से देखोगे ना इसकी साउंड डीजल क्लटर, ये देखो
और ये इसकी DRL ऑन करके ऐसी लुक्स आती है, ऐसी कुछ इसकी लुक्स आती है DRL ऑन करके, और आपको LED ब्रेक मिल जाता है जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसी में आपकी लो व्हील में, इसी में आपकी हाई व्हील में, फॉग लाइट इसमें नहीं मिलती। तो यही था यार कुछ इसका रिव्यू। और एक चीज़ और है कि इसमें जो आपको वाइपर उसमें कॉस्ट कटिंग मिलती है, देखो नॉर्मल वाले वाइपर है ये, अगर आप टॉप मॉडल की बात करो तो टॉप मॉडल में आपको एरोप्लेन वाले मिल जाते हैं। बाकी भाई यही थे कुछ इसका इन डेप्थ वॉक अराउंड अपनी टाटा नेक्सॉन प्योर एस डीजल वाली का। और वीडियो अच्छी लगी तो पता क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।